बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश की 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई है। इन्हें हमारी सरकार ने बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक की मदद सुनिश्चित की है। 20 लाख आज देश भर के गांवों में फल, सब्जियां और अनाज को बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्टोरेज की सुविधा तैयार की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यह नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देश के प्रधानमंत्री जहां जहां पहुंचते हैं वहां सिर्फ एक ही बात करते हैं कि महिलाओं के लिए वो तमाम कार्य कर रहे हैं। अभी कर्नाटक पहुंचे हैं और कर्नाटक पहुंचने के बाद देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आप सभी ने सिर्फ यही सुना होगा, यही देखा होगा कि तमाम जायदाद, तमाम संपत्ति को पुरुषों के ही नाम किया जाता है, लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो मकान दिए, जो आवास योजना के तहत जो है घर मुहैया करवाए, उन सभी घरों के जो नाम है वो संपत्ति लेडीज यानी कि महिलाओं के नाम की गई है, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको देश के तमाम महिलाओं का ध्यान है, लेकिन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम महिला खिलाड़ियों का ध्यान नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर जो न्याय के लिए बैठी हैं महिला खिलाड़ी, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कुछ कहते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, आप खुद ही सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश की 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई है। इन्हें हमारी सरकार ने बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक की मदद सुनिश्चित की है। 20 लाख आज देश भर के गांवों में फल, सब्जियां और अनाज को बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्टोरेज की सुविधा तैयार की जा रही है। एफपीओस को मदद करके सरकार किसानों को व्यापार और प्रगति के अवसर भी दे रही है। इससे किसान के हाथ में पूंजी आई है, उसकी आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। किसानों पर महंगी खाद का बोझ ना पड़े, फर्टिलाइजर का ज्यादा पैसा किसान को न देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार दुनिया में से यूरिया लाती है। 50 रुपीज केजी हम लाते हैं, 50 रुपीज केजी, और किसानों को देते हैं सिर्फ 5 रुपये में। सारा बोझ सरकार उठाती है। हम आज करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ चुके हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतें। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर बनवाए हैं। 4 करोड़ घर दोस्तों, यानी दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने घर हमने बनवाए हैं। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर गांव में बने हैं, गांवों में बने हैं। और खुशी की बात है, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मेरी माताओं बहनों के लिए भी खुशी की बात है, इसमें भी ये जो 3 करोड़ से ज्यादा गांव के घर
एक करोड़ के ज्यादा शहरों के घर, उनका भी ज्यादातर मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। हमारे यहां स्वभाव है घर होगा पुरुष के नाम, गाड़ी होगी पुरुष के नाम, खेत होगा पुरुष के नाम, ऑफिस होगा पुरुष के नाम, दुकान होगा पुरुष के नाम, और अगर पति नहीं है तो बेटे के नाम, मां के नाम, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। सही है ना? ये मोदी है जिसने बदल दिया। आज 3 करोड़ से ज्यादा घर की मालिक मेरी माताएं बहने हैं, और ये जो घर बन रहे हैं ना आजकल, इन घरों की कीमत 1.25-1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है एक एक घर की कीमत। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी 3 करोड़ बहने रक्षाबंधन के भी पहले, 3 करोड़ बहने घर की मालिक बनी, मतलब वो लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। आज गांवों में स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिल रहे हैं। अब तक देश के 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम पूरा हो चुका है। इसका फायदा ये होगा कि संपत्ति पर होने वाले विवाद कम होंगे, जमीन पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा, और ये सारा काम हमने नौजवानों की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी से किया है, ताकि हर घर परिवार के पास अब उसके पास लिखित अधिकार है कि ये घर, ये जमीन, ये मेरी है। उसको एक हिम्मत दी, विश्वास दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने देश के ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैंने पूछा, भाई क्या हाल है? तब पता चला 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में रहते थे, बिजली नहीं थी। 2014 में मेरे देश के 18,000 गांवों में बिजली न हो, ये मुझे सोने नहीं देता था। मैंने संकल्प किया 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा, और पहुंचा दी भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, सौभाग्य योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों घर तक आज बिजली पहुंच चुकी है। आज देश के करीब 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से साफ पीने का पानी मिलने लगा है, नल से जल मिलने लगा है। तुमकुरु के भी करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को पहली बार पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को जो है जुटाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का वोट बैंक जो है उसको खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि आप बातों की बात तो महिलाओं की कर रहे हैं, महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए बैठी है जंतर मंतर पर, आखिर उन महिलाओं को आपको याद क्यों नहीं है? लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनावी पुलाव है या फिर ये चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।